आज हम परफॉर्म करने वाले हैं डाइकोट लीफ का प्रैक्टिकल। इसकी रिक्वायरमेंट आपके सामने स्क्रीन पे दे रखी है। आप प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने के लिए आप जो है पोटैटो का क्यूब तैयार करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्यूब हमेशा बनाएं। अगर आप डायरेक्ट कट करने की स्किल रखते हैं तो बिना क्यूब भी आप काम चला सकते हैं। यहाँ पे अब क्यूब बनने के बाद में क्यूब को बॉर्डर से कट करें, ताकि आपने जो भी लीफ सैंपल लोगे, लीफ सैंपल में टी एस या वी एस लेने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए अब हम पोटैटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली आप लीफ कट करें। लीफ को जब कट करें तो कोशिश ये करें कि आप मिड रिब एरिया से टी एस लें, क्योंकि मिड रिब एरिया की जो है टिश्यूज़ हैं, आपके जो वेस्कुलर बंडल हैं, आपका जो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं, एपिडर्मल, आप प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो हमने फाइनली लीफ का सैंपल ले लिया है। अब आप जो कट लगाए थे क्यूब के अंदर, उस क्यूब के अंदर उस लीफ को फिट कर लें। उसके बाद में आप जो है फ्रेश ब्लड के इस्तेमाल करके उसको कट करें। हम यहाँ पे सिर्फ टी एस लेने के लिए जो है पोटैटो का इस्तेमाल करते हैं, और इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। अगर आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हम लोग जो है एकदम थिनेस्ट लेयर निकालते हैं। जितनी थिन लेयर होगी उतना जो टिशू की जो अपीरियंस है उतनी बढ़िया आएगी। आप कोशिश करें कि आप मैच्योर टिशू लें, आप मैच्योर एरिया कट करें, क्योंकि मैच्योर एरिया के टिशू काफ़ी डिफरेंशिएट होते हैं और वो आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो पाएंगे माइक्रोस्कोप में। फाइनली आप लेके उसको वाटर में रखें। उसके बाद में आप सेफ्रिनिन का इस्तेमाल करें उसको स्टेन करने के लिए 2 से 3 मिनट तक। सेफ्रिनिन को आप डाइल्यूट ज़रूर करें। ज़्यादा देर तक रखने पर, शायद आपकी स्टेन ज़्यादा होने पर आपको ऑब्जर्वेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आप एक्सिस स्टेन को रिमूव कर लें, वाटर में रखकर आप स्टेन को रिमूव कर लें। अब आप लोग स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए ग्लिसरीन की एक ड्रॉप स्लाइड पर रखें। उसके बाद में जो आपने वाटर के अंदर जो एक्स्ट्रा स्टेन रिमूव किया था, वो आपका जो लीफ सैंपल है वो ग्लिसरीन पे रखें। ग्लिसरीन पे रखकर यहाँ पे देखो, हमने जुगाड़ से ब्लेड का इस्तेमाल किया है। एक्चुअली में यहाँ पे सही मायने में पेंटिंग ब्रश का इस्तेमाल करना होता है, ताकि जो टिश्यूज़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो। फाइनली हमने स्लाइड का जो टी सैंपल है, हमने जो सैंपल ले लिया है, अब आप इस पर कवर स्लिप रखें। कवर स्लिप लिखने के बाद में आप इसको ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप थिनेस्ट टी एस लें, ताकि स्लाइड भी इसमें आराम से फिट हो सके। बाजू मैंने एक आपको सैंपल दिखा रखा है, जिसमें हमने मिड रिब को कट किया हुआ है। फाइनली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको ऑब्जर्व जब करोगे, चाहे डाइकोट हो या चाहे मोनोकोट हो, आपको उनकी आउटर एपिडर्मिस जो है, अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, इनके ग्राउंड टिश्यूज़ हैं, इनके वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, हर एक टिशू को आप ऑब्जर्व करें। हम यहाँ पे जो टिशू दिखा रहे हैं आपको इस समय, ये जो लीफ है बोथ साइड से डिफरेंट कलर को रखती है, तो ऊपर की तरफ अलग कलर है, नीचे की तरफ अलग कलर है। आप लोग पूरी स्लाइड को रोटेट करके कम्प्लीटली इसको आप ऑब्जर्व करें, जिससे आपको ज़्यादा उसके बारे में आइडिया आ पाएगा। आगे हमने इसके बारे में अलग अलग सैंपल रखे हैं। पीछे हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लीफ लिए हैं, लीफ की स्लाइड भी दिखाई हैं, और उसके जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है वो भी हमने आपको शो किया है। फाइनली ये स्लाइड का जो ओवरव्यू है आप देख पा रहे हैं, आपको एपिडर्मिस भी दिख रही हैं, जो अपर हैं अपर भी दिख रही हैं, और जो लोअर एपिडर्मिस भी आपको यहाँ पर दिख रही है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, हमने प्रॉपर सब कुछ बनाया। और ये आप जो देख सकते हैं, ये डाइकोट डिफरेंट लीफ है। इसकी हमने लीफ को मिड रिब एरिया से कट किया हुआ है। और भी देख लीजिए, दूसरी लीफ का सैंपल हमने लिया है। गाइस, हम आपके लिए माइक्रोब्स, ये जो लीफ लेवल पे हैं या एनाटॉमी लेवल पे, सारे हमने प्रैक्टिकल डाल दिए हैं। डाइकोट रूट के, मोनोकोट रूट के, मोनोकोट लीफ के, डाइकोट के, मोनोकोट के, जितने भी तीनों स्टेम रूट लीफ के हमने सैंपल ऑलमोस्ट सब के सब प्रैक्टिकल अपलोड करती हैं। तो आपका प्यार बना रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक ही विज़न है, एक ही मिशन, पूरी बायोलॉजी स्लैब पर डालनी है। तो आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, जय भारत।